अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ये कार्टन के बॉक्स को देख रहे हैं। इसकी डायमेंशन तकरीबन है 2 बाई 2 फुट की। तो ये मैंने कोशिश की है घर में एक इनक्यूबेटर सर्किट बनाने की। तो अगर आप इसके बाहर देखें तो ये मेन सप्लाई आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये सप्लाई आगे जाके 200 में तकसीम होती है, 220 वोल्ट है। और इसके अलावा ये साथ अडाप्टर को भी सप्लाई जा रही है। जो अडाप्टर से सप्लाई आ रही है, तो जो अडाप्टर से सप्लाई आ रही है वो अगर आप लोग देखें तो ये बाहर से तो फ़ैन नज़र नहीं आ रहा, इसके इनर साइड पर लगाया हुआ है। तो एक तो उसको जा रही है और दूसरा ये सप्लाई जो है प्लस और माइनस की, यानी 12 वोल्ट जो है ये इस टेम्परेचर कंट्रोलर सर्किट को दी जा रही है। अभी आप देखें 3.3 तक ये अप्रोच कर रहा है टेम्परेचर। तो जो ही टेम्परेचर 36.7 पे आता है तो ये बल्ब ऑफ ऑन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ऑफ मोड में है क्योंकि इनक्यूबेशन के लिए या अंडों से चूजे निकालने के लिए जो कहते हैं बेहतरीन टेम्परेचर है वो 37.5 है, या उससे अगर वाइड रेंज में लें तो 35 से लेके 40 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, लेकिन जो आइडियल है वो 37.5 है, यानी उनके मिड में आ गया ना। यानी एवरेज अगर करें आप तो ये 37.5 बनता है। तो ये देखें 37.3 के ऊपर ये बंद हो जाता है, यानी 5 पे भी जाता है किसी वक्त, लेकिन नॉर्मली ये 36.7 के ऊपर ये ऑन हो जाएगा। तो एक ये सर्किट है। अब इसके थ्रू हमने इस बल्ब को कंट्रोल किया हुआ है, यानी जब टेम्परेचर हमारा 37.3 तक जाता है तो बल्ब ऑफ हो जाता है, और जब देखें ये रिले भी लगी हुई है 12 वोल्ट की, और जब टेम्परेचर 36.7 के ऊपर आएगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी बाहर इसके सिर्फ 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर सर्किट है और दूसरा ये बल्ब का होल्डर आपको नज़र आ रहा है। और इस बल्ब को देखें अगर सप्लाई आ रही है, यानी सप्लाई की 2 तारें होती हैं, एक डायरेक्ट इसमें जा रही है और दूसरी जो है वो इस टेम्परेचर कंट्रोलर के थ्रू इसको दी हुई है। ये देखें 36.7 के ऊपर ये ऑन हो गया, और अब ये 37.3 तक इसको ऑन रखेगा, और जब 37.3 पर टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये देखें बल्ब ऑफ हो गया। यानी ये जो ब्लैक वायर है ये टेम्परेचर का सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है जो कि बॉक्स के अंदर मैंने पहुंचाया हुआ है। तो ये देखें मैंने ऊपर ये बल्ब का ये बॉक्स है और साथ ही एक राड सा रखा हुआ है लकड़ का, ताकि इसकी हीट जो है वो डिसिपेट ना हो। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है। तो ये आप देखें ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये देखें यहाँ से जो 12 वोल्ट अडाप्टर से सप्लाई आ रही है वो सबसे पहले इधर फ़ैन को आ रही है, और फ़ैन से ही ये रेड और ब्लैक वायर के थ्रू ये देखें ये बाहर जा रही है बॉक्स के, और इस साइड से इस टेम्परेचर कंट्रोलर को 12 वोल्ट DC, यानी ये DC सप्लाई है ना, जो अडाप्टर हमने लगाया वो बेसिकली लगाया DC सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, जो कि फ़ैन को जा रही है और सर्किट को। सर्किट को देखें मैंने ये 2 नट पेच के थ्रू इसके साथ टाइट किए, और ये एक बल्ब लगाया 100 वाट का। अब देखें होल्डर जो है, जो बल्ब होल्डर है वो आधा कार्टन के अंदर है और आधा कार्टन के बाहर है। और ये देखें बल्ब ऑन हो गया है, क्योंकि अभी मैंने बॉक्स ओपन किया हुआ है तो इसलिए टेम्परेचर तेज़ी के साथ वैरी कर रहा है। तो अगर आप बात करें इस टेम्परेचर कंट्रोलर की, तो इसके साथ देखें जो ये ब्लैक वायर जा रही है अंदर की तरफ, ये बॉक्स के अंदर जा रही है, ये बेसिकली सेंसर है इसका। ये देखें ये सामने आपको नज़र आएगा स्टील शेप का, ये सेंसर है जो कि सेंस करता है कि इस बॉक्स के अंदर, इस कार्टन के अंदर कितना इस वक्त टेम्परेचर अवेलेबल है। और इसके अंदर की कहानी आप देखें, ये मैं फ्री में लाया था ये बॉक्स 2 बाई 2 फुट के शॉप से। ये नीचे इसके देखें, ये मैंने पहले कागज़ बिछाए, ये थोड़ा सा हार्ड पेपर सा कलर वाला, और दूसरी साइड पे भी देखें
फिर उसके नीचे ये बुरादा बिछाया मैंने। बुरादा ये जो होता है लकड़ी वाला, क्योंकि जो फर्नीचर की दुकानें होती हैं वहाँ से ये मिल जाता है जब वो लकड़ी की कटिंग वगैरह करते हैं। तो मेरे अंकल का बिजनेस है फर्नीचर का, तो उनसे मैंने लिया था ये बुरादा। उसके बाद ये पानी मैंने रखा इसमें ताकि ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, क्योंकि अंडों को इनक्यूबेशन के लिए एक तो टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर के बाद ह्यूमिडिटी भी चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ना हो तो फिर नमी नहीं होती और चूजे अंदर ही मर जाते हैं, छिलके के अंदर यानी मर जाते हैं। तो इस बरादे के ऊपर अगर आप लोग काउंट करें तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 एग्ज रखे हैं। तो अगर आप लोग ये देखें कि ये एग के ऊपर 3 नंबर है, ये एग असल में ना आज ही रखा है मैंने, यानी 3 दिन लेट रखा है इनक्यूबेटर में। तो बाकी अंडे जो हैं वो 3 दिन पहले मैंने रखे थे इनक्यूबेशन के लिए। तो इसमें आप अगर आप एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस जो मेरा हुआ है वो सिर्फ एग्स, क्योंकि मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं तो अंडे तो मुझे घर से फ्री मिल गए, यानी फर्टाइल एग हैं। फर्टाइल एग का मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कि जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वो फर्टाइल होते हैं और जो पानी में तैरना शुरू हो जाते हैं वो अनफर्टाइल होते हैं, यानी उनमें से चूजे नहीं निकल सकते। खा सकते हैं लेकिन चूजे नहीं निकल सकते। वो जो फर्टाइल एग होते हैं उनको आप खा भी सकते हैं और उसको इनक्यूबेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुर्गियों के साथ मुर्गा भी रखें। तो मुर्गे और मुर्गी यानी जिस ग्रुप के अंदर मुर्गा होता है तो उसके बाद जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं वो फर्टाइल एग ही निकलते हैं। अगर हाली फीड के तौर पे अगर आप अंडे ले रहे हैं तो वो जस्ट अनफर्टाइल एग होंगे जो खाने के काम आते हैं, उससे आप चूजे नहीं निकलवा सकते। क्योंकि मेरे तो यही एक्सपीरियंस है और जो मैंने रिसर्च की है उसके बाद जो मुझे बात समझ में आई है। तो जहाँ तक एक्सपेंस की बात है, ये यानी अंडे भी फ्री थे, ये बरादा भी फ्री था, ये बॉक्स भी फ्री था, ये पानी वाला जो जार है ये भी फ्री था, पानी भी फ्री था, और बाकी ये फ़ैन जो है ये मैंने एक दोस्त से लिया, ये तकरीबन उसने 50 रुपीज़ का मुझे दिया था। और ये चार्जर जो है ना, चार्जर है बेसिकली ये जिसको एज अडाप्टर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये तकरीबन 100 का उसने दिया, यानी 150 हो गए। और 150 के बाद यानी 50 रुपये का ये हो गया फ़ैन 12 वोल्ट DC का, 100 रुपये का चार्जर हो गया, 150 रुपया हो गया, और ये बल्ब हो गया तकरीबन 60 रुपये का था शायद, हाँ 60 रुपये का था, तो 210 हो गया। ठीक है, तो बाकी तो मैं हाँ होल्डर आया तकरीबन 20 या 30 रुपये का, 30 रुपये का होल्डर था शायद, 240 हो गए। और होल्डर के बाद जनाब ये देखें, ये जो सर्किट है ना सारा कमाल ही सर्किट का है। ये सर्किट मुझे दराज ऐप से मिला है, यानी होम डिलीवरी हुई है 408 रुपये में। यानी अगर आप देखें 240 और 408, यानी तकरीबन 600 650 में ना ये मेरा सेटअप तैयार हो गया। और इसके बाद ये देखें, ये मैंने यानी जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है ना 7 अगस्त 2020 को, उस दिन मैंने इनको इनक्यूबेशन पे लगाया, क्योंकि सर्किट में हाथ मुझे उसी दिन मिला था घर पे शाम 5 बजे। तो कह रहे हैं 21 दिन बाद इंशाल्लाह चूज़े निकलेंगे, तो अब देखते हैं कि कितने चूज़े इसमें से निकलते हैं, कितने अंडे ख़राब होते हैं। वैसे हैं तो सारे फर्टाइल टाइप, तो मुझे तो कभी उम्मीद है इंशाल्लाह मैक्सिमम इनक्यूबेशन होगी। बस एक अंडा है जिस तरह, अगर आप लोग ये देखें ये अंडा जो है ना ये 3 दिन मैंने लेट रखा है, यानी इसके मुताबिक इसको 3 दिन ज़्यादा लेगा ये इनक्यूबेशन के लिए। और इसी तरह ये एक अंडा है, ये भी मैंने 1 दिन बाद रखा है, यानी इसको भी 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। और बाकी जो अंडे हैं वो सारे सेम डेट को रखे गए हैं। तो ये टोटल 11 11 एग्ज़ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यानी मैंने घर के ऊपर बनाया ना, ये घर में बनाया है तो देखिए मैं खर्चा कितना हो रहा है, 500 या 600, तो 600 रुपया मेरा लग गया इसके ऊपर। और कोई इतना बड़ा इसमें यानी कोई साइंस नहीं है कि बंदा कहे कि मैं नहीं बना सकता,
जिस बंदे को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ है या इलेक्ट्रिकल की, वो इजीली इसको घर में तैयार कर सकते हैं। यानी तकरीबन 500-600 रुपये आप आइडिया लगा लेंगे, 600 रुपये में ये 11 अंडों का इंक्यूबेटर मैंने तैयार किया है। तो ये जी देखें इसका टोटल सेटअप है। तो इसकी रनिंग एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। ये देखें 37.3 के ऊपर जाके ऑफ हो गया बल्ब, बल्कि 4 के ऊपर भी जाता है ये देखें 37.4, क्योंकि 37.5 बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि मैंने ये दराज ऐप से मंगाया था टेम्परेचर कंट्रोलर, तो उसमें तो उन्होंने शॉर्ट ही दी है कि हमने इसकी सेटिंग की हुई है। देखें 37.5 पे भी जा रहा है। तो यानी इसके देखें ये तीन स्विच हैं, ये अगर आप देखें ये तीन स्विच हैं, इनके थ्रू सेटिंग की जाती है टेम्परेचर। देखें आप 37.56 पे इसने मेंटेन किया हुआ टेम्परेचर को, और बल्ब भी ऑफ हो गया। आप देखें टेम्परेचर थोड़ी देर बाद, सही बात है, अब बल्ब ऑफ हो गया तो ये टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो उसके बाद ये 36.7 के ऊपर जाके ऑन होगा, क्योंकि इनक्यूबेशन के लिए कहते हैं कि एक तो हीट चाहिए और दूसरा ह्यूमिडिटी चाहिए। एक और हाइग्रोमीटर आता है मार्केट में, जो कि किसी भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो वो भी मैंने अभी इसमें ले कर रखना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि अभी ह्यूमिडिटी कितनी है, क्योंकि आप देखें जार के अंदर पानी जो है वो कम होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से अब जार को तकरीबन आधा फिल करना पड़ेगा। तो ये था इसका सारा सेटअप। तो बाकी हम इंशाल्लाह अभी किस दिन बाद देखते हैं कि इनक्यूबेशन का क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि अगर जार को आप देखें ना, मैंने शायद पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, अगर जार को देखें तो जार का जो पानी का लेवल है ना, आप पता है कैमरे में आपको सही नज़र आ रही, यानी ये तकरीबन क्वार्टर हो गया, मैं यहाँ से देखता हूँ ना, तो जार मैंने तकरीबन हाफ फिल किया था, आधा फिल किया था, लेकिन अब ये क्वार्टर हो गया। मतलब है कि हीट की वजह से पानी वेपोरेट हो रहा है और इसके अंदर ह्यूमिडिटी भी बन रही है, लेकिन मैं अब जो टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ वो जस्ट इसकी रीडिंग से मुझे पता चल रहा है कि अभी करंट टेम्परेचर क्या है, क्योंकि बेहतर ये होता है कि हाइग्रोमीटर अंदर रखा जाए तो उससे पता चल जाता है कि इनसाइड द बॉक्स क्या टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी या रनिंग टाइम पे क्या है। तो मेरे ख्याल से आप मुझे जार को तकरीबन आधा पानी तक, यानी इसको आधा फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्वार्टर रह गया तो कुछ दिनों तक हो सकता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए पानी, क्योंकि अभी मैं यहाँ बना रहा हूँ तो ये बल्ब की हीट की वजह से मुझे भी काफ़ी पसीना आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पानी वाकई ह्यूमिडिटी क्रिएट कर रहा है इसमें। तो ये था छोटा सा सेटअप। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं इसमें 11 अंडे मैंने रखे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मज़ीद अंडों की कोई गुंजाइश है। ये है कि जोड़ जोड़ के रख सकते हैं, लेकिन देखेंगे, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो अल्लाह करे कि ये एक्सपीरियंस कारामद साबित हो। इसमें एक्सपेंस कोई नहीं है ना, हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है थोड़ा सा, लेकिन यह है कि एक्सपेंस कोई नहीं है। देखें 600 रुपये में ये, तो मैं 11 अंडे मैंने इस वक्त रखे हैं, और अभी भी देखें बहुत जगह है इसमें, मैं कभी 6-7 अंडे और इसमें रख सकता हूँ, यानी ये तकरीबन 20 तकरीबन, यानी ये 20-21-22 अंडों का इनक्यूबेटर बन सकता है इजीली। बाकी अब इसको क्लोज करते हैं फिलहाल। तो ये अभी इसको भी साल पे छोड़ देते हैं, तो इंशाल्लाह 21 दिनों बाद, यानी अगर देखा जाए तो ये मैंने 7 को स्टार्ट किया है, 7 अगस्त को, हाँ ये 7 अगस्त को स्टार्ट किया 5 बजे, तो 21 से माध्यम के 28 अगस्त को ये शाम 5 बजे तक इनके 21 दिन मुकम्मल होंगे। लोग कहते हैं कि 22-23-24 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन आइडियली यही 21 डेज का ही पीरियड है।
तो इंशाल्लाह 21 दिनों बाद देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो अगर इस के थर्मोस्टेट के बारे में, ये टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वो ये दराज़ ऐप पे एक लिंक है, वहाँ से ये 408 रुपये का मुझे मिला है। इकोनॉमिकल है, घर बैठे आपको मिल जाते हैं, तो इतना एक्सपेंस भी कोई नहीं है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अच्छा व्यूअर्स, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।